प्यारे साथियों नमस्कार, फिर से एक बार आपका स्वागत है चैतन्य स्टडी में। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष UPSWD यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो प्रत्येक वर्ष एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर जो है आपका सभी का सिलेक्शन लेता है, और वहाँ पर जो है मुफ्त में जो है फ्री में जो है कोचिंग वहाँ पर कराई जाती है। ठीक है, उसके लिए देखिए आपको क्या होता है, बहुत बहुत सी चीज़ें जो रहती हैं वो आपको शायद मालूम हो, अच्छी बात है, नहीं मालूम हो तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है देखिए, जब आप अपना उसमें आवेदन करते हैं तब आपसे उस वक्त कोई भी फीस नहीं ली जाती है, लेकिन जब आप काउंसलिंग कराने वहाँ पर जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, तो आपसे 2,000 रुपये इस तरह से जो है कॉशन मनी के रूप में लिए जाते हैं, जो कि आपकी बाद में वापस कर दी जाती है जब आपकी कोचिंग समाप्त हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इसकी ये अलग अलग धनराशि थी, लेकिन 2019 में यानी कि जब 2020 के लिए जब आवेदन हुआ था 2020 की कोचिंग के लिए, तब जो है इसका 2,000 रुपये का फीस था। तो अब देखिए यहाँ पर कोचिंगों में कितनी कितनी सीटें हैं उस बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि मई लगभग समाप्त हो चुकी है और मई समाप्त हो चुकी है और जो है इसका जो है अभी तक आवेदन का जो है फॉर्म आने को है। फिलहाल में आप बने रहे हैं चैनल पर, जैसे ही इसके आवेदन होंगे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अवगत करा देंगे कि इसका फॉर्म जो है, इसका आवेदन किस तरह से और कैसे कब किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारी यहाँ पर कोचिंग है छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ, यहाँ पर जो है 250 सीटें हैं। आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज, ये देखिए केवल महिलाओं के लिए है, यहाँ पर 150 सीटें हैं। IAS PCS कोचिंग सेंटर निजामपुर हापुड़, यहाँ पर टोटल 200 सीटें हैं, पुरुष की 120 और महिला की 80। अगला है संत रविदास IAS PCS कोचिंग सेंटर वाराणसी, यहाँ पर 200 सीटें हैं। अगला है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर IAS PCS परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र आगरा, यहाँ भी 200 सीटें हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर IAS PCS परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र अलीगढ़, यहाँ भी 200 सीटें हैं। और एक कोचिंग और है न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज, यहाँ पर केवल 50 सीटें हैं। ठीक है, इन कोचिंगों की क्या क्या मेरिट रहती है, किस किस हिसाब से इन सबका जो है सिलेक्शन होता है, काउंसलिंग होती है, उन सब की जानकारी हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल की वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे प्रशिक्षण की अवधि की। प्रशिक्षण की जो अवधि होती है, आपकी जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपकी कोचिंग कितने महीने की रहेगी, तो आपकी जो कोचिंग रहती है वो यहाँ पर रहती है 5 महीने की। ठीक है, परीक्षा की तिथि जो पूर्व हो, जब मतलब जब आपका सत्र वहाँ से प्रारंभ हो जाएगा तब से 5 माह की आपकी कोचिंग रहेगी। ठीक है, अब उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपकी जो योग्यताएं हैं, तो सबसे पहले तो आपको वही है कि आपको एक एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा, और एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको आवेदन करना होगा, और आवेदन करने से पहले आपको कुछ योग्यताएं जो हैं वो पूरी करनी होंगी, जैसे कि कोचिंग में प्रवेश हेतु शैक्षिक यानी कि जो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, आप जैसे ग्रेजुएशन होता है वो, आपकी एज 21 वर्ष एवं अन्य आवश्यक अर्हताएं, संबंधित परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करना आवश्यक होगा। दूसरी बात है, यहाँ पर उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएं एवं शर्तें पूर्ण करना अनिवार्य आवश्यक होगा, जैसे कि देखिए कोचिंग में प्रवेश हेतु शैक्षिक आयु संबंधित, ये तो हो गया आपका। दूसरा है उत्तर प्रदेश का भाई मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को हो, ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए ये नहीं है। अगला पॉइंट, अभ्यर्थी के माता पिता या अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 6 लाख रुपए वार्षिक से अधिक की ना हो। अगला पॉइंट है कि उपरोक्त समस्त केंद्र आवासीय संस्था के रूप में संचालित हैं, आवासीय मतलब वहां पर आपको हॉस्टल भी मिलेगा रहने के लिए। ठीक है, अतः अभ्यर्थी किसी अन्य शैक्षिक संस्थान में अध्ययनरत अथवा कहीं पर से सेवारत ना हो। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यदि आप कोई भी कोर्स या कोई भी और पाठ्यक्रम कर रहे हैं और इस कोचिंग में भी अगर आप प्रवेश मतलब ले रहे हैं, तो आपको कोचिंग एक ही चुनना होगा। ठीक है, यदि आप वहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं और उसके बाद में अगर आपने कोचिंग करने के दौरान ही कोई भी अगर किसी पाठ्यक्रम में अगर आपने मतलब जो प्रवेश ले लिया, तो आपकी जो कोचिंग है वो वहाँ से आपको कोचिंग से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और एक बात और है, यदि आप किसी भी कोचिंग में यानी जो फ्री कोचिंग जो सरकार के द्वारा जो कराई जाती है उसमें किसी भी कोचिंग में अगर आप प्रशिक्षण ले चुके हैं, तो उसके बाद आपको किसी भी कोचिंग में प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये देखे क्या कहा है कि पूर्व में विभाग के किसी कोचिंग केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त ना किया हो और वह ग्रेजुएशन उत्तीर्ण हो। एक और खास बात है, जब अक्सर जो है विद्यार्थी जो होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, वो गलतियां कर देते हैं अपना आवेदन करने में, कि वो कैटेगरी उनकी कोई सी होती है और वो आवेदन किसी और कोचिंग में कर देते हैं, और वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं इस तरह से, मतलब मेल हैं या फीमेल हैं इस तरह से भी वो ध्यान बना रखते हैं, वो कोचिंग का अपना जो है फिल कर देते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। लेकिन उन्हें यह बहुत ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर नोट के रूप में कहा गया है
कि अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को कोचिंग की सुविधा केवल छत्रपति साहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ तथा आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ में ही है। आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है। यहाँ पर 200 सीटें हैं और जो छत्रपति साहूजी महाराज हैं यहाँ पर 250 सीटें हैं। देखिए दूसरा नोट पॉइंट है कि महिला अभ्यर्थी को कोचिंग की सुविधा केवल आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ तथा आईएएस पीसीएस कोचिंग केंद्र हापुड़ में ही उपलब्ध है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी इसका आप आवेदन करें तो ध्यान रखें, क्योंकि जो है पिछले वर्ष जो है 27 मई 2019 को इसका आवेदन का जो विज्ञापन का जो प्रकाशन हुआ था और इसमें जो आवेदन करने की जो डेट 27 मई से लेकर के 26 जून तक की थी। तो उम्मीद करता हूँ इस वक्त भी है जो है कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में जो है इसके आवेदन आने वाले हैं। देखिए प्रवेश का जो आधार होता है वो एक एग्ज़ाम होता है आपका, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। उसके बाद जो है फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है कि यहाँ के सबसे ज़्यादा किसके नंबर हैं, और ये जो मेरिट लिस्ट होती है सभी कोचिंगों की अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। कैसी कैसी मेरिट लिस्ट होती है आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के 2019 की सारी डिटेल जो भी है, ठीक है, UPSWD फ्री कोचिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। अगला है देखिए, प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का कोई भत्ता या यात्रा व्यय नहीं होगा। यदि आपको लगता है कि हम अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तब जो है आपको कोई भी जो है किराया या भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा, और लगभग जब इसका आवेदन आता है तो उसके 1.5 या 2.5 महीने के बाद में इसका जो है प्रवेश इसकी प्रवेश परीक्षा होती है। अब इसका जो आवेदन होता है इसका आवेदन ऑनलाइन होता है, जो विभाग की वेबसाइट होती है वहाँ से ऑनलाइन आवेदन होता है, ठीक है। और जब भी इसके जो आवेदन आएंगे हम आपको यहाँ बता देंगे कि हाँ किस तरह से इसका आवेदन करना है। प्रवेश पत्र का प्रेषण होता है ये भी आपको ऑनलाइन मिलता है, ठीक है। क्या होता है इसमें दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी ना ही 2018 में और ना ही 2019 में, लेकिन अब 2020 में अगर अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो हो सकता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी किया जाए। तो फिलहाल अभी इस तरह कोई खबर नहीं है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अब ये देखिए प्रेषण पत्र का पाठ्यक्रम क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आप सभी के लिए। अगर आप IAS या PCS की किसी भी जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर वो क्वेश्चन होते हैं जो कि पहले UPSC या फिर IAS में जो है आ चुके होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो अपने तरफ से बना करके देते हैं, लेकिन अधिक से अधिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहले सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पर इसके अंदर उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यहाँ पर देखिए कहा गया कि नकारात्मक मूल्यांकन होगा, लेकिन ये विज्ञापन था जबकि प्रवेश पत्र जब जारी हुआ था तो उसमें कहा गया था कि जो है नेगेटिव मार्किंग यानी नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। प्रवेश परीक्षा जो थी वो प्रवेश परीक्षा 2 घंटे की होगी, 120 मिनट की होगी, और इसमें 100 प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव। लेकिन 2018 में क्या हुआ था, ये 2019 की बात है, 2018 में क्या हुआ था 120 क्वेश्चन थे, ठीक है, और इस बार क्या है 100 क्वेश्चन हैं। 2019 में 100 क्वेश्चन थे और नेगेटिव मार्किंग ना 2018 में थी और ना ही नेगेटिव मार्किंग 2019 में थी। तो फिलहाल ये जो है यहाँ पर इस तरह से इसको आप एक मिसप्रिंट कह सकते हो शायद, लेकिन जब एडमिट कार्ड जब आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड हुआ था 2019 में, आप चाहें तो किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पत्र जो है देख सकते हैं, किसी अभ्यर्थी का जिसने कि आवेदन किया हो, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और लगभग 2.5 महीने के बाद यानी कि जब आपका एग्ज़ाम होता है तब से लेकर के लगभग 15 से 20 दिनों में जो है आपका रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो होता है आपका, देखिए क्वेश्चन मनी की बात मैंने यहाँ पर बताई थी, क्वेश्चन मनी की देखिए यहाँ पर 1,000 रुपये होती है। प्रवेश परीक्षा मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु समस्त मूल अभिलेखों, जब भी अगर आपका सिलेक्शन हो गया है आपका, अगर आप किसी भी कोचिंग की मेरिट लिस्ट में फंस रहे हैं तो वहाँ पर आप जाएंगे अपने सारे के सारे जो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको लेकर के, और जो आपका आवेदन फॉर्म था वो और आपका जो प्रवेश पत्र था वो, और 1,000 रुपये आपकी क्वेश्चन मनी मिलेगी के साथ संबंधित कोचिंग केंद्र जहाँ के लिए चयन हुआ है पर उपस्थित होगा। काउंसलिंग में समस्त मूल अभिलेखों की जाँच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। कोचिंग सत्र का प्रारंभ जो है देखिए अगस्त 2019 के तृतीय सप्ताह से IAS प्रारंभिक परीक्षा 2020 एवं BCS प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए किया जाना प्रस्तावित है। देखिए जब 2019 में जब ये प्रवेश परीक्षा हुई थी तो 2020 के लिए क्या हुआ था कि जो है जो सत्र था बहुत ही लेट हो गया था, रिजल्ट भी थोड़ा देरी से आया था और फिर इसमें जो है काउंसलिंग भी थोड़ी देरी से हुई थी। तो फिलहाल में अब जिसका जो कॉशन मनी की बात कही गई यहाँ पर 1,000 रुपये, तो कॉशन मनी जो है क्या होता है कि
विभिन्न कोचिंग जो संस्थान होते हैं, ठीक है, वो अपना अलग क्वेश्चन मनी भी रख लेते हैं क्यों, लेकिन हालांकि क्वेश्चन मनी वो आपको वापस मिल जाती है, 1,000 रुपये या 2,000 रुपये रहती है। मैं इस बार की मैं शायद 2,000 रुपये मान रहा हूँ कि हाँ इस बार 2,000 रुपये हो सकती है, लेकिन फिलहाल 2019 में 1,000 रुपये थी। अब देखिए इसके जो है योग्यता और इसका प्रवेश, इससे किस तरह से आपको प्रवेश मिलेगा, वो सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दी है, ठीक है। तो आप जो है अपने पूर्ण मनोयोग से तैयारी करते रहें। यहाँ पर एक और बात हम यहाँ डिस्कस करेंगे, प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, खास तौर पे इसमें वो है जो प्रवेश पत्र का जो पाठ्यक्रम है, हमने अपने चैनल के प्लेलिस्ट पर इस तरह से डाल रखा है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जो है प्रश्न आते हैं और इसका सिलेबस क्या क्या रहता है, ठीक है। जो पुराने 2018 और 2019 के जो प्रश्न पत्र हैं उनका सॉल्यूशन भी आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो है इसका पाठ्यक्रम जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, सामान्य विज्ञान और जो भी विषय हैं समाज सामान्य ज्ञान, उन सब के लिए हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराने वाले हैं। तो फिलहाल आप बने रहें चैनल पर, सब्सक्राइब करें और सभी को सूचित करें कि हाँ अब इसके जो है आवेदन आने वाले हैं, अपनी तैयारी पूर्ण मनोयोग से करते रहें। और चैनल के माध्यम से आपको जो जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है उसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।